हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी विद एंटरटेनमेंट हाउस। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आज मैं धोती स्टाइल साड़ी वेयरिंग दिखाऊंगी, जो कि मैंने बहुत ही यूनिक तरह से करने की कोशिश की है। आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी। मैंने इस ड्रापिंग के लिए एक सिल्क साड़ी और पैडेड ब्लाउज यूज़ किए हैं। आप किसी भी सिल्क साड़ी के साथ क्रॉप टॉप या ब्लाउज यूज़ करके ये ड्रापिंग कर सकते हो, जिससे आप बहुत ही यूनिक और स्टाइलिश दिखोगी। इस ड्रापिंग के लिए पहले मुझे साड़ी को मिडिल में फोल्ड करना है और मिडिल वाली पोर्शन को अपनी कमर में नॉट बांध के बांधना है, जैसे मैंने वीडियो में दिखाया है। अच्छे से मुझे कमर में नॉट को बांधना है, क्योंकि इस पूरा ड्रापिंग इस नॉट के ऊपर ही होगा। मैंने इस ड्रापिंग के लिए एक 3/4 पैंट यूज़ किए हैं। आप किसी भी लेगिंग्स, जेगिंग्स या जीन्स यूज़ कर सकते हो। अब मुझे साड़ी की मिडिल की पोर्शन को नीचे से फ्रंट में टक करना है। मिडिल की इस पोर्शन को ज़्यादा टाइट नहीं करना है, ज़्यादा टाइट करने से ये साड़ी पहनने में कंफर्टेबल नहीं होगी। अब मुझे साड़ी की लेफ्ट पोर्शन में जाना है। लेफ्ट पार्ट को अपनी पैरों के नीच में से निकल के पीछे एक प्लीट करके पीछे में टक करना है, जैसे मैंने वीडियो में दिखाया है, और फिर से उस पार्ट को ही अपनी फ्रंट में टकिंग करना है। अगर आपकी कोई रिक्वेस्टेड वीडियो हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना, मैं पूरा करने की कोशिश करूँगी। अपनी साड़ी की लेंथ के मुताबिक ये टकिंग होगी। मेरी साड़ी छोटा है, इसलिए मैंने पैरों के बीच में से एक बार ही घुमाया है। अगर आपकी साड़ी लेंथ में लंबी हो तो इसे आप 2 या 3 बार भी पैरों के बीच में से घुमा सकते हो। इस ड्रापिंग में आपको ध्यान रखना है कि अपनी साड़ी की बॉर्डर विजिबल होना चाहिए। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। अब मैंने साड़ी की राइट साइड को भी अपनी पैरों के बीच में से निकल कर
पीछे में टक करके फिर से पैरों के नीचे में से निकलकर फ्रंट में पिन से सिक्योर किया है। अगर आप चाहे तो टक भी कर सकते हो, लेकिन मैंने पिन से सिक्योर किया है। फिर से मैं बता दूं कि अपनी साड़ी की लेंथ के मुताबिक ही पैरों के बीच में से साड़ी को कितने बार निकालोगे ये डिपेंड करता है। अगर आपकी लेंथ छोटा हो तो एक या दो बार निकल सकते हो, अगर आपकी लेंथ बड़ा हो तो साड़ी की 3 बार भी निकल सकते हो। जैसे आपकी साड़ी सेट हो जाए बाद में उसे छोड़ देना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलना। और हाँ, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव को भी ज़रूर शेयर करना। सो फ्रेंड्स, फाइनली मेरी धोती स्टाइल साड़ी वेयरिंग लुक रेडी है। फ्रेंड्स, मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट में ज़रूर बताना। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।